गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज भी हम 8 वर्ड सीखेंगे इस वीडियो से। जो लोग पहली बार इस वीडियो सीरीज को देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं यहां पर सेंटेंस बताता हूं, सेंटेंस के बाद फिर मैं उसके अंदर के वर्ड को उच्चारण करके हिंदी में अर्थ क्या होते हैं वह बताता हूं, फिर उसके बाद हम एक एक वर्ड के स्पेलिंग, उच्चारण और उसके हिंदी के अर्थ देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। सेट योर गोल्स हाई एंड डोंट स्टॉप Until you get there। Set का मतलब होता है समूह या स्थापित करना, High का मतलब होता है उच्च, Until का मतलब होता है जब तक, और get मतलब होता है प्राप्त करना। इसका हिंदी में अर्थ यह होता है दोस्तों इस सेंटेंस का कि अपने लक्ष्यों को ऊंचा रखें और तब तक ना रुकें कि जब तक आप वहां तक पहुंच ना जाएं। दूसरा सेंटेंस यह है, Within our dreams and aspirations, we find our opportunities। Within का मतलब होता है भीतर, dreams का मतलब होता है सपनों, aspiration का मतलब होता है आकांक्षा, और opportunity का मतलब होता है अवसर। यानी यहां पर opportunities लिखा हुआ है इसलिए मैंने अवसरों लिखा हुआ है। हमारे सपनों और आकांक्षाओं के भीतर हम अपने अवसरों को पाते हैं, मतलब हमारे जो सपने होते हैं और आकांक्षाएं जो होती हैं वही हमें अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इन शब्दों को हम देखते हैं। SET, सेट, सेट का मतलब होता है समूह या स्थापित करना। हाई, HIGH, हाई, हाई मतलब होता है उच्च। अंटिल, UNTIL, अंटिल, अंटिल का मतलब होता है जब तक या तब तक। Get, 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 get का मतलब होता है प्राप्त करना। Within, 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 within का मतलब होता है भीतर या अंदर। Dreams, 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 dreams का मतलब होता है सपने। Aspiration, aspiration, ASPIRATIONS, aspirations, aspirations का मतलब होता है आकांक्षाओं। अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITIES, अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है अवसरों। दोस्तों यहां पर यह वीडियो खत्म होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिससे कि दूसरों को भी इसका फायदा हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह में 4 बजे। हैव अ नाइस डे, बाय दोस्तों।